हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू नेशन टीवी इंडिया। मिस्टर सलीम अहमद, वर्किंग प्रेसिडेंट केपीसीसी, कन्वेड मीटिंग विद उलेमास। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन ईयर, सलीम अहमद, वर्किंग प्रेसिडेंट केपीसीसी, कॉल्ड मीटिंग विद उलेमास। ड्यूरिंग उलेमास मीटिंग, केएमडीसी इज नॉट डूइंग जस्टिस टू द मुस्लिम स्टूडेंट्स एंड माइनॉरिटीज स्कॉलरशिप्स। जुमा मस्जिद रोड इज रीनेम्ड ड्यूरिंग लॉकडाउन। उलेमास टोल्ड कांग्रेस शुड एक्ट स्ट्रॉन्ग इन अपोजिशन। मौलाना सगीर अहमद रशादी सेड यूनिटी अमंग द लीडर्स, ट्रस्ट ऑन यूनिटी। लीडर्स असेस अवेलेबल टू कॉमन मैन। कांग्रेस शुड नॉट यूज मुस्लिम एज ओनली एज ए वोट बैंक। दे शुड मेक देम एज पॉलिसी मैटर ऑफ द पार्टी। ड्यूरिंग मीटिंग, मुफ्ती सगीर अहमद रशादी, मौलाना मकसूद इमरान रशादी, मौलाना मुजम्मिल, मौलाना जुल्फीखर रजा नूरी, मौलाना रिफाई, मौलाना सैयद इब्राहिम, इमाम जुम्मा ओ जमात मस्जिद अस्कारी, मौलाना बाखर अली, मिस्टर आगा सुल्तान स्पोक्स पर्सन केपीसीसी एंड अदर प्रोमिनेंट उलेमास ऑफ बैंगलोर, कोऑर्डिनेटेड बाय मिस्टर सैयद शाहिद टू सीक एडवाइस एंड ब्लेसिंग्स एट हिज न्यू ऑफिस। वॉच एक्सक्लूसिव रिपोर्ट फ्रॉम नेशन टीवी इंडिया। मिस्टर सलीम अहमद के लिए हुआ कि ये एक हमारे ब्राइट फ्यूचर है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, और हम दुआ करेंगे कि ये अगले तमाम उलमा ने यही अपना ख्याल जाहिर फरमाया कि जहाँ तक हो सके जनाब मोहतरम सलीम साहब
को जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से माइनॉरिटी कारगुजार सदर जो बनाया गया है, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि कौम की वो खिदमत करेंगे हर लाइन से, खुसूसन तालीम की लाइन से भी। हमने कहा तमाम उलमाए किराम ने इसका भी जिक्र फरमाया कि तालीमी लाइन से अगर जो कुछ भी परेशानियाँ आती हैं, खुसूसन फीस की और दाखिले के वक्त की, हज़ारों रुपये और बाज़ ऐसे हैं कि जिसमें लाखों रुपए की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट के कारगुजार सदर जनाब सलीम साहब से हम उम्मीद करते हैं और हमने उनसे दरख्वास्त भी की कि वो ज़रूर इसका ख्याल करेंगे और हमें उम्मीद है इसलिए इंशाल्लाह इस ज़रूर करेंगे वह जी जब तक आगे छोड़ें तो इंशाल्लाह ये सब बातें होंगी। इंशाल्लाह उम्मीद है, हम आपको मुबारकबाद देते हैं जनाब सलीम साहब को कि उनको ये उहदा मिला है और उम्मीद करते हैं कि उस उहदे से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा। कांग्रेस की हुकूमत थी तो उस वक्त अपोजिशन में बीजेपी जो मसाइल हल नहीं होते थे पूरे शद व मत के साथ रखा करती थी, लेकिन आज जो मसाइल हल नहीं हो रहे हैं हम देख रहे हैं कि कांग्रेस उसमें बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है। आज सलीम साहब जो कारगुजार सदर बने हैं उन्होंने एक मीटिंग तलब की और मशवरों को तलब किया, तो हमने उनके सामने पहले ये मशवरा रखा और उनसे गुजारिश की कि ख़ास तौर पर हमारी रियासत के वो तलबा व तालिबात जो हायर एजुकेशन में तालीम हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, गुरबत उनके आड़े ना आए, उनकी तालीम में किसी तरह के लिए रुकावट ना बने, तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको कर्ज़ा मिलता था, उस कर्ज़े में भी इस वक्त बहुत परेशानी आ रही है। तलबा व तालिबात धक्के खा रहे हैं इधर उधर, लेकिन उनके लिए कुछ हल नहीं। तो ऐसी सूरत में कांग्रेस क्या कर रही है, हमने कारगुजार सदर के सामने हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहम की मौजूदगी में तमाम उलमा की तरफ से ये मसला रखा गया कि वो उन तलबा के हक़ में आवाज़ बुलंद करें और उनके लिए कुछ हल निकालें ताकि वो अपनी तालीम को सुकून के साथ आगे जारी व सारी रख सकें। हमने सलीम साहब को मुबारकबादी दी है कि उनको कर्नाटक कांग्रेस पार्टी का कारगुजार सदर बनाया है, और इसके साथ साथ मैं अपने राहुल गांधी और सोनिया गांधी साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने कर्नाटक के कारगुजार ऐसे सदर बनाए हैं जो गरीबों और जो काम के लायक हैं एक काम करने का वो जज्बा रखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सलीम अहमद साहब को जो ओहदा दिया गया है उस ओहदे पर रहकर वो तमाम कामों को बेहतर से बेहतर तरीके से करेंगे, और मैंने अभी बहुत सारे उलमाए किराम ने मशवरे दिए, उन्होंने उसको कबूला कि जो भी उलमाए किराम ने मुझे मशवरे दिए हैं उस पर मैं पूरा अमल करने की कोशिश करूंगा। उस मौके पर मैंने कहा था कि आप कर्नाटक कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर बने हैं तो एक अपोजिशन को जैसा मुस्तहकम होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, उस अंदाज से आपको काम करना होगा। जैसे कि अभी मौलाना मकसूद इमरान साहब ने भी कहा कि जो अपोजिशन की जिस तरह के मामलात रहते हैं वो अभी हमें कर्नाटका में कांग्रेस में नज़र नहीं आते हैं, तो उनको और ताकत के साथ काम करना होगा। और मुझे उम्मीद है कि सलीम साहब जो इस तरह से मशवरे दिए गए हैं कि तलबा का स्कॉलरशिप का जो मामला है उसको आसान से आसान बनाने की कोशिश करेंगे और आसानी के साथ इंशाल्लाह स्कॉलरशिप का काम कर्नाटक में तलबा के लिए हो जाएगा। उलमाए किराम बिला तफरीक मसले को मिल्लत हाजिर हुए थे और उसमें ये सलीम अहमद साहब के लिए दुआया कलमात भी हुए और इनको ये मशवरा दिया गया है कि वो अकलियत के लिए जो बहुत सारे मसाइल हमारे इस कर्नाटक स्टेट में दरपेश आ रहे हैं, जैसे अजान के मसाइल हैं या इस तरह के दूसरे जो मसाइल हैं जिनका मज़हब से और हमारी मिल्लत से बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है, कि जिसको ये मौजूदा हुकूमत किसी न किसी तरीके से मुनाफरत के तौर पर पेश कर रही है, उस सिलसिले में हम लोगों ने उनकी तवज्जो मकबूल कराई है और इस जानिब भी मुतवज्जो किया है कि अकलियत के लिए माइनॉरिटीज़ के लिए जिस कदर वो खिदमत अंजाम दें, जैसा कि ये
मौजूदा हुकूमत में जो माइनॉरिटीज़ के लिए अकलियत के लिए जो सेंटर से फंड आता था वो भी काफ़ी कम कर दिया गया है, तो इस सिलसिले में भी उनको मुतवज्जह किया गया कि वो अपनी पूरी की पूरी कोशिश के साथ वो जो हालात और माहौल हैं तो ये हालात के बाद अच्छे हालात और एक पॉजिटिव वेव आना का लाजमी तौर पर जो है हमें इंतज़ार है और इंशाल्लाह ऐसा होगा, क्योंकि अल्लाह ताला का ये फरमान है और हज़रत का उसूल है कि जब भी बुराई या कोई गलत चीज़ उभर कर आती है तो उसको ख़त्म होना है, उसकी जगह पर अच्छाई को सामने लाना है। अल्लाह ने फरमाया कि वज़ल आखिर तो खैरुल्लाह का मिनल उला, कि आने वाला दौर तुम्हारे लिए इस दौर से बेहतर होगा। तुम समझते हैं कि मुल्क के लिए, हिंदुस्तान के लिए, मुल्क की सेक्युलर पार्टियों के लिए और ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए आने वाला दौर अच्छा होगा, और इस ज़मन में कांग्रेस पार्टी ने जो ओहदा आपको अता किया है और जिस मनसब पर आपको फायज़ किया है ये हमारे लिए खुश आइंद है और हमारे लिए बहुत अच्छा काम करने का मौका है। हम मसालिक के मशायख और उलमा यहाँ जमा हुए हैं, जिसकी गर्ज़ वग़ायत के ताल्लुक़ से हमारे मौकर बुज़ुर्ग उलमा कराम ने इज़हार ख़याल भी किया है और अपनी आरा का बयान भी दिया है। मोहतरम जनाब सलीम अहमद साहब, जिनको कांग्रेस की तरफ से जो मुल्क की वाहिद बड़ी पार्टी है, तजर्बात को बरूए कार लाते हुए वो इस रियासत में खूब खूब खिदमत अंजाम दें। एक साल जो मैं वर्किंग प्रेसिडेंट बनने के बाद उनके साथ मुलाकात करना था लेकिन कोरोना की वजह से मुलाकात हो नहीं पाए, तो काफ़ी कुछ डिस्कस किए। उन्होंने कहा कि एजुकेशन के बारे में जिस तरह जो बजट कम किया गया स्टूडेंट्स के लिए, दूसरी बात जो है काफ़ी फंड्स जो लास्ट टाइम 4,000 करोड़ जब हमारी हुकूमत थी, सुजा महद जब चीफ मिनिस्टर रहे तो करीबन 4,000 करोड़ बजट एलोकेशन था, उसको घटा के 800-900 लेके आ गए थे एरिया पर बीजेपी गवर्नमेंट में। तो उसके बाद काफ़ी कुछ उन्होंने सुझाव दिए हैं कि एज ए वर्किंग प्रेजिडेंट जो हमारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है कि आने वाले दिनों में किस तरह ये जो कम्युनल पार्टीज होगी या फिर माइनॉरिटी इशूज़ के बारे में आप टेकअप करना चाहिए, पार्टी में के अंदर आपको डिस्कशन करनी चाहिए और आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको डिस्चार्ज करनी चाहिए, ये कहा है। तो हमने पूरी ईमानदारी से कहा कि जितना भी काम हो सकता हम करेंगे, आपको जो डायरेक्शन से जो उलमा का जो ओपिनियन है जो डायरेक्शन से उस पर हम काम करेंगे सारे लोग मिलके, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में काफ़ी माइनॉरिटी सीनियर लीडर्स हैं, चाहे मैं जैसे कि रमा खाजा है, सी एन इब्राहिम साहब है, और काफ़ी एक्स मिनिस्टर्स है, MLAs है, तो सब लोग मिल के जो है जितना जो माइनॉरिटी इशूज़ पर काम करना है हम बिल्कुल काम करेंगे। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली पहली बार एज ए वर्किंग प्रेजिडेंट एक मुसलमान को दिया गया है उस पर उन्होंने खुशी जताई उन्होंने कि पहली बार एटलीस्ट माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन मिला KPCC में, तो उस सिलसिले में उन्होंने काफ़ी कुछ डायरेक्शन दिए हैं, उस पर हमने काम किया है। और हमने ये उनको कहा कि जितना जो काम करना है एज ए वर्किंग प्रेजिडेंट कांग्रेस पार्टी में जो हक मुसलमानों को मिलनी चाहिए वो बिल्कुल उसके लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे, ये बात हमने उनको कहा है। कांग्रेस इज माइनॉरिटीज एंड माइनॉरिटीज कांग्रेस, कांग्रेस जो है कभी मुसलमान से दूर नहीं है, माइनॉरिटी से दूर नहीं है, और मुसलमान कभी भी कांग्रेस को सपोर्ट करते आए हैं। मक्कल हायर एजुकेशन, मगळ मदुवे, कनसिन संत मने, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.